वबरकातुहू व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कंबो आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, मौजूदा दौर में हर दूसरे तीसरे बंदे को जो मसला सता रहा है वो है मेदे की खराबी और कब्ज़ से होने वाली बवासीर। बवासीर की वजूहात क्या है वो तकरीबन हर आदमी को ही मालूम है। तेज मसाले खाना, बसियार खोरी, गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल, वर्जिश ना करना, वाक ना करना और चटपटी खट्टी चीजें खाना, तेज मसाला जात खाना, इसके इलाज के बेशुमार नुस्खा जात देसी भी हैं, एलोपैथिक भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, घरेलू टोटके भी हैं। आज जो मैं आपको टोटका ये बताने जा रहा हूँ, ये शेयर करने जा रहा हूँ, ये नुस्खा मुझे एक मेरे ही मरीज ने, जो मुझे से दवाई लेने किसी और सिलसिले के लिए आया, उसने ये नुस्खा मुझे बताया और ये नुस्खा आज से 8 माह पहले मुझे पता चला। 8 माह के दौरान मैं कम अज कम कोई 8 से 10 हजार मरीजों पे आजमा चुका हूँ। 95% लोगों को अल्लाह ताला ने शिफा दी है इस नुस्खे की बदौलत। अल्लाह ताला इस नुस्खा बताने वाले को भी सेहत दे, जिंदगी दे और उन्हें इसका सदका जारिया जो उन्होंने मुझे बताया, आगे मैं आप लोगों को बताया रहा हूं, उन्हें इसका सवाब मिले। तो आप लोग भी इसे इसी तरह शेयर करना ताकि आप लोगों को भी सवाब मिले और किसी का भला हो जाए। जहां हर किस्म की दवाई फेल हो जाए, हर किस्म के टोटके फेल हो जाए, बवासीर मौके वाली हो, खूनी हो, बादी हो, दर्द हो रहा हो, मकाद में पकाने वाली जगह में जलन हो रही हो, तो ये नुस्खा, ये टोटका बड़ा आसान सा आपने आजमाना है, अल्लाह ताला आपको शफा देगा। नंबर 1। नंबर 2, इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान आपने परहेज जो करने हैं वो मैं नुस्खे के बाद आपको बता दूंगा ताकि आप लोग सही तरीके से नुस्खे का फायदा उठा लें। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ये है लस्सी, दही की लस्सी। दही की लस्सी आपने मशीन या ग्राइंडर में नहीं बनानी, वो जो कच्ची मिट्टी की जो होती है वो जिसे हम चाटी कहते हैं, पंजाबी में चाटी कहते हैं या उर्दू में इसे घड़ा भी कहते हैं, आपने चाटी की लस्सी लेनी है। यानी दही को मिट्टी के बर्तन में रिड़कना है अच्छी तरह और रिड़कने के बाद जो हम लस्सी पीते हैं यानी देसी लस्सी, उर्दू में इसे छाछ कहते हैं, ये आपने ग्राइंडर में या किसी मतलब जो जूसर ब्लेंडर है उसमें बनी हुई लस्सी नहीं लेनी, आपने चाटी की बनी हुई पतली लस्सी लेनी है जिसमें से हम मक्खन निकाल लें। ये आपने लस्सी ले लेनी है। जब भी आपको प्यास लगे रोटी के साथ, वैसे भी जब भी आपको प्यास लगे आपने लस्सी ही पीनी है, पानी नहीं पीना। ये अमल आपने 3 से 5 दिन करना है, यानी 3 से 5 दिन आपने पानी नहीं पीना। जब आपको प्यास लगे या रोटी के साथ आपने लस्सी ही पीनी है, आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना 3 से 5 दिन। ठीक है जी, ये ग्लास में डाला, अब मुझे प्यास लगी है, ठीक है जी, और मैं आपके सामने ये लस्सी पी रहा हूं। ऐसे ही आपने पी लेनी है जो बवासीर के मरीज हैं। ये आप जितनी पी सके, प्यास हो रोटी के साथ, खाना खाते हैं जब सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, यानी आपने 3 से 5 दिन पानी नहीं, ये लस्सी ही इस्तेमाल करनी है। इसमें हल्का सा जायके के लिए नमक डाल लें, ठीक है। ये है टोटका। आगे इसका परहेज जो जरूरी है, नंबर 1, आपने अपने कब्ज नहीं रहने देनी। कब्ज के लिए कोई भी आप दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक ले लें या देसी ले लें। नंबर 1। नंबर 2, आपने किसी किस्म की मिर्च नहीं इस्तेमाल करनी, ना हरी ना काली ना लाल ना सुर्ख ना तेज मसाला जात। हल्का सा नमक डाल के आपने सालन खाना है, रोटी खानी है। तेज मसाले, गोश्त, खट्टी तली चीजें, इन चीजों का परहेज करना है आपने 3 से 5 दिन। अल्लाह के फजल से बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको अपने बताए हुए तजर्बात का बता रहा हूं। आपने ये नुस्खा, ये टोटका आपको समझ आ गया, आप ये शेयर करें। ये कितनी मिकदार में, ये आप ऐसे किया करें कि सुबह उठ के बना ली और बोतल भर के फ्रिज में रख दी, जब प्यास लगे आपने इस्तेमाल करा दिया। जरूरी नहीं कि हर दफा ताजी बनानी है, एक दिन की आप ताजी बना ले, अगले दिन सुबह फिर नहीं बना ले सारे दिन के लिए, उससे अगले दिन फिर बना ले। 3 से 5 दिन ये अमल कर ले, बवासीर किसी किस्म की हो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह।
ठीक है जी। तो इसी के साथ ही आपने हकीम मोहम्मद इमरान को मौके इजाजत दें। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके, और बेल बटन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।